Hi, I am Dr.Lavi Sandhu, Senior Fertility and IVF Consultant at Birla Fertility and IVF Lajpat Nagar. So, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही important concern. How does it impact the fertility? So, सबसे पहले कोई भी hormonal disturbance अगर है, चाहे वो thyroid की वजह से हो, prolactin की वजह से हो, या PCOD की वजह से, इसमें egg formation के में problem हो सकती है. Egg या तो नहीं बनेगा cycle में, या अगर एग बन रहा है तो वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है या डिफेक्टिव एग है, जिसकी वजह से आगे कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है. कोई भी इन्फेक्शन लाइक जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस या पीआईडी या एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं. फेलोपियन ट्यूब का काम होता है एग को पिक करने का. जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो फेलोपियन ट्यूब उसको पकड़ती है, तो अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो भी आगे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होगी. इसी तरीके से कोई अगर फाइब्रॉइड या पॉलिप है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की इनर लाइनिंग में, तो वो प्रेगनेंसी को यूट्रस में अटैच होने में प्रॉब्लम करेगा, यानी कि इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है आगे फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं. अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से साइन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के पास, फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना बढ़े. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साइकिल्स में सडनली कोई चेंज हो गया है, पहले आपके साइकिल्स 28 डेज पे आते थे, बट अब सडनली आप नोटिस कर रहे हो कि साइकिल 35 डेज से ज्यादा टाइम में आ रहे हैं, या 21 डेज से जल्दी आने लग गए हैं, या आपको साइकिल के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, क्लॉट्स आने लग गए हैं, ब्लीडिंग 3 डेज की बजाय 5 डेज 7 डेज रहने लग गई है, या आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक एरिया में बहुत सिवियर पेन है जिसके लिए आपको मेडिकेशन लेने पड़ रहे हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए. दीज साइंस, दीज अर्ली साइंस कुड be a potential cause for any hormonal disturbance, infection or endometriosis. So, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर fertility affect हो रही है तो उसका treatment क्या है. Like, जो भी reason है हमें उस reason को treat करना है. If there is any infection तो हमें antibiotics देना है, infection को treat करना है. If there is any hormonal disturbance तो हमें hormone treatment देके उस disturbance को ठीक करना है. सिमिलरली अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की मदद ले सकते हैं. ये प्रोसीजर की हेल्प से हम यूट्रस के अंदर अगर कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, उसको रिमूव कर सकते हैं. लेप्रोस्कोपी से हम ट्यूब्स को देख सकते हैं, पेल्विस को देख सकते हैं, और अगर वहां पे कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है तो हम उसको खोलने का ट्राई कर सकते हैं. सिमिलरली असिस्टेड रिप्रोडक्शन का हेल्प भी आप ले सकते हैं फॉर द फर्टिलिटी पर्पस. जैसे कि कुछ कॉजेज में हम अगर ट्रीटमेंट कर भी दें तो उसके बाद भी ट्यूब्स अच्छे से काम नहीं करती हैं, या देयर इज अ प्रॉब्लम इन ओव्यूलेशन, तो ऐसे केसेस में हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये ट्रीटमेंट की हेल्प से हम प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन रीच अस टू एट बिरला फर्टिलिटी एंड IVF. यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट एंड वील बी वेरी हैप्पी इन असिस्टिंग यू इन योर जर्नी ऑफ पेरेंटहुड, एंड वील बी वेरी हैप्पी इन सॉल्विंग योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच. बुक अ फ्री कंसल्टेशन टुडे.